नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। आज मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाऊंगी। प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका पाने के कारण क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। उस दिन शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। रोज की तरह ही वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती रही। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली कि मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या कैसे कर सकते हो? मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी, तब तुम मेरी जान ले लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। पास आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। मैं कामातुर हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देरी नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। अतः हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही वेल वृक्ष पर बैठा वेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने को हुई तो एक हिष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीन मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख सहना ना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी बात मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ।
शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसको ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने अगले जन्म में चित्रभानु राजा बने और अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको शिवरात्रि की कथा जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।